गदर टू के बारे में बस यही कहूंगा कि गदर वन जब बनी थी हमें नहीं पता था कि वो गदर मचा देगी, जनता को इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने। बीते कई सालों में हमने देखा होगा कि हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं कर पा रही है। फिल्म की कहानी कितनी भी अच्छी हो लेकिन लोग इसे थिएटर तक देखने नहीं जा रहे। बड़े से बड़े स्टार्स की फिल्में पिट रही है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन आपको ये शायद ही पता होगा कि यमला पगला दीवाना के बाद सनी देओल ने एक भी हिट फिल्म नहीं दी है। इसके बाद अब उनकी नजरें गदर 2 पर टिकी हुई है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के नवाब यानी सैफ अली खान ने भी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा है। हालांकि अब थिएटर में उनकी भी फिल्में नहीं चल रही हैं। सैफ अली खान की आखिरी हिट फिल्म रेस 2 थी। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर कितने भी बॉडी बना ले लेकिन उनकी फिल्में बिल्कुल नहीं चल रही। अर्जुन कपूर ने इश्क ज्यादा फिल्म से डेब्यू किया था। ये फिल्म हिट नहीं रही थी लेकिन उनकी एक्टिंग की तारीफ जरूर हुई थी। वरुण धवन ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में धमाका किया था। ये फिल्म हिट साबित हुई थी। हालांकि उनकी भेड़िया, जुग जुग जियो, आलिया बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। अक्षय कुमार की भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। उनकी बैक टू बैक सभी फिल्में लगभग फ्लॉप हो रही है। पृथ्वीराज चौहान, रक्षाबंधन, सेल्फी, राम सेतु जैसी फिल्में शामिल है। दोस्तों ये सभी एक्टर अपनी एक हिट फिल्म को तरस रहे हैं। 2023 में किस एक्टर की सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में होंगी? अक्षय कुमार, वरुण धवन, अर्जुन कपूर से तो ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन सनी देओल की फिल्म गदर 2 से फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। दोस्तों आपका इन सभी एक्टरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।